गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपके अपने चलन चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। ये क्लास नाइन के लिए हमें कल वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। क्लास नाइन के लिए, क्लास नाइन बोर्ड पे देखो, क्लास नाइन के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स होता क्या चीज़ है, इसका हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि हमारे कॉमेंट बॉक्स में नहीं डालोगे कि पॉलीनोमियल्स का कंसेप्ट बताइए, फंडामेंटल्स बताइए। जब तक हमारे कमेंट बॉक्स में ये बात डालोगे नहीं, तब तक मैं इनका जो है ना फंडामेंटल्स जो है, जो इनका कंसेप्ट है, जो इनकी थ्योरी है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो तब तक नहीं बताऊंगा जब तक लिखोगे नहीं कमेंट बॉक्स में। पॉलीनोमियल्स किसको कहते हैं, कितने तरह का होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ये तुमको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि हमें कंसेप्ट बताइए। फिर पॉलीनोमियल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो बता के तुमको पॉलीनोमियल्स में मास्टरी हासिल कर देंगे। अभी अगर दावा करते हो कि नहीं हम गुरु हैं, तो फिर शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर पॉलीनोमियल का कंसेप्ट अभी नहीं बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखो, अगर पहले से जानते हो तो जानो ठीक, अगर नहीं जानते हो तो लिखना कमेंट बॉक्स में, फिर सारी चीज़ बताएंगे। अभी इनका प्रॉब्लम देखो, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं बताएंगे, लिखोगे तो बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मांगता है ये इक्वेशन, अभी लिखते हैं घबराओ मत। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तीन सवाल है इसमें। इसमें सवाल नंबर वन जो है वो कहता है कि 2 + x² + x, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये कैसे पॉलीनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल्स है कितने टर्म का पॉलीनोमियल्स है। जब तक कंसेप्ट जानना नहीं चाहोगे तब तक ये कंसेप्ट हम तुमको बताएंगे नहीं। ये तुमको इसमें कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो फिर नहीं जानोगे, या पहले से जो जानते हो वही जानते रह जाओगे। यहाँ है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनको खोजो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, इनका कोफिशियंट बोलते हैं मल्टीपल को। इनको ऐसे लिखा जा सकता है 2 + 1 × x² + x, इसलिए कि एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बराबर 1 हुआ, यही तुम्हारा आंसर हुआ ठीक। क्वेश्चन नंबर दो देखो 2 − x² + x³, यहाँ पूछता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 − 1 × x² और प्लस एक्स क्यूब। अब देखो एक्स का गुणक कौन है, एक्स का जो पहले गुणक होता है उसी को कोफिशियंट बोलते हैं, तो जवाब में क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बराबर कितना होगा, -1, इसके पहले 1 है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, यही -1 इनका जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो π/2 x² + x, यही कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो π/2 होगा, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपुल होगा, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपुल होगा उसी को कोफिशियंट बोलते हैं, मल्टीपुल को कोफिशियंट बोलते हैं। या एक्स स्क्वायर का मल्टीपुल π/2 है, यानी एक्स स्क्वायर को पहले π/2 से गुना किया गया है, जिस नंबर से गुना होता है वही उनका कोफिशियंट होता है, यहाँ π/2 हुआ। क्वेश्चन नंबर चार देखो ये सवाल है कि √2x − 1, अब पूछता है सवाल कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बतावें। क्वेश्चन नंबर दो देखो एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर दो का चार देखो कहता है √x − x = 1, पूछता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालो, इस टर्म में कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0 × x² + √2x − 1, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए कि 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, ये पूरा टर्म एज इट इज़ बच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कोफिशियंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कौन है, जीरो है, यही इनका जीरो आंसर हुआ। ये चार क्वेश्चन था, चार क्वेश्चन हमने बता दिया। अगर वाकई पॉलीनोमियल के बारे में जानना चाहते हो, कंसेप्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डालो कि हमको मास्टर बनना है, फिर हम मास्टर बना देंगे, नहीं तो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। इसको देखो और ज्ञान करो, ज्ञान ज्ञान लो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लास 9 के लिए पॉलीनोमियल से रिलेटेड मैथ बताया, एक स्टार्टिंग का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का चार क्वेश्चन हमने बताया। अगर पॉलीनोमियल्स के बारे में जानना हो, पूरी हिस्ट्री इसकी जाननी हो कि होता क्या चीज़ है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालो, फिर हम डिटेल्स बताएंगे, नहीं तो तब तक इसी को देखो। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।